हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इस यूनिट से रिलेटेड यानी स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता जो हमारी यूनिट है इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उस सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। जितनी भी डिफिनीशन हो, डेरिवेशन हो या फार्मूले हो, सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया। लगभग 6 क्लासेज वहाँ पर बनाई जा चुकी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं जिससे आपको पूरी तरह से ये यूनिट रिवाइज हो जाए। तो कल की क्लास में तो हमने पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर कर लिया, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट के न्यूमेरिकल्स जो दिए हुए हैं उनके बारे में, यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो हमको कर लेनी चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर सजेशन आ रहा था कि सर एक क्लास में केवल 5 न्यूमेरिकल्स ही कराइएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बाउंस होने लगते हैं। तो ये भी आपका मानना सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफ़ी हार्ड लेवल इनका, क्योंकि NCERT पैटर्न है, इसीलिए आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एक दिन में केवल 5 क्वेश्चन ही कराएंगे तो फिर इसमें काफ़ी जो यूनिट है वो काफ़ी लंबा खींच जाएगी, क्योंकि एक यूनिट में कोई भी यूनिट हो उसमें लगभग 35-36 न्यूमेरिकल दिए होते हैं, और अगर हम एक दिन में केवल 5 न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो हमारी न्यूमेरिकल की क्लास है यानी 7 डेज तक हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे, और थ्योरेटिकल पोर्शन जो कवर करने में वो तो 7 डेज हो ही जाते हैं, यानी 7 क्लासेज लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन की तो हो ही जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक यूनिट हमको कंप्लीट करने में 15 डेज लगेंगे, यानी 15 दिन लगेंगे, और अगर इस प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे तो हम एग्ज़ाम तक अपने कोर्स को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा और आपको प्रयास करना है, यानी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को मेंटेन बनाए रखें, क्योंकि अगर हम स्पीड बनाए रखेंगे तो कुछ टाइम हमको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएगा, और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते इन क्वेश्चंस की, डिफिनीशंस की, डेरिवेशन की, तो हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसलिए हम वैसे भी प्रयास करेंगे कि जो वीडियो है ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपको किसी प्रकार की वहाँ पर असुविधा ना हो, यानी बोरिंग आपको फील ना हो, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। बाकी बात रही जो कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमने पिछली यूनिट में न्यूमेरिकल्स बताए थे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स के हमने आंसर डायरेक्ट वहाँ पर निकाल दिए थे, और कुछ हमने कैलकुलेशन करने के लिए आपको छोड़ दिए थे कि आप कैलकुलेशन करके उनके आंसर निकाल लीजिए, और सभी के बुक आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें लास्ट में आंसर दिए हुए हैं, तो आप उस कैलकुलेशन को करके वहाँ से आंसर मिला सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस के यानी कुछ न्यूमेरिकल्स के जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन न लें। जब हमारी यूनिट 1 यूनिट 2 तो कम्प्लीट हो ही रही है लगभग, और यूनिट 3, जब ये तीनों यूनिट्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड ये जो तीनों यूनिट हैं ये जब हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, तो सबसे बाद में फिर हम एक डाउट सेशन करेंगे, वो एक क्लास दो क्लास जितने में भी चलेगा, तो उसको हम एक डाउट सेशन करेंगे जिसमें आपके जितने भी कन्फ्यूजन हैं, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें यूनिट नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल के, तो वहाँ पर जब आप कमेंट करेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को अपने डाउट सेशन में शामिल करेंगे, और सभी क्वेश्चंस का आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा पूरी तरीके से, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा, और हम बहुत ही आराम से समझते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये कुछ बातें थी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, जो आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न थे न्यूमेरिकल्स को लेकर या इन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको लेकर, तो ये सभी कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट नहीं करना है, और जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो डाउट सेशन में पूरी तरीके से क्लियर कर दिए जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और देखते हैं आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, और हमारी इस यूनिट में 36 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, और इनकी जो PDF है, न्यूमेरिकल्स की PDF है, वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके पास कोई भी बुक है, हम बार बार यही बताते हैं कि आपके पास कोई भी बुक हो, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, जो हमारी न्यू एडिशन की बुकें हैं, तो वहाँ से आप मैच करके उनमें टिक कर सकते हैं, और उसी अनुसार आपको क्वेश्चन वहाँ पर लगाने हैं, और आंसर भी आपके जो बुक में पीछे दिए हुए हैं तो वहाँ से आंसर भी मैच कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, यूनिट नंबर, क्वेश्चन नंबर, हम उसको आपको डाउट सेशन में बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला हमारा क्वेश्चन है,
और जो इसके फार्मूले हैं वो आपने लर्न कर लिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो आपको एक जगह सभी फार्मूलों को लिख लेना है जो हमारी इस यूनिट में आए हुए हैं, और उनको अच्छी तरीके से लर्न करना है, क्योंकि हमने सभी फार्मूले आपको बता दिए हैं। वैसे भी थ्योरेटिकल के साथ साथ सभी जो फार्मूले हैं वो आपको बताते हुए हमने कंप्लीट किया है पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को, तो वहाँ से आप उनको लर्न कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम फार्मूला बताएंगे तो फिर टाइम किल होगा, और फिर आप कहेंगे कि सवाल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं हो पा रहे हैं और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम वो आपको स्वयं ही लर्न करने हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज का, वो है 5 × 10⁻⁸ तथा −3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यानी विभव शून्य होना है किस बिंदु पर, ये हमको निकालना है। और एक अन्य क्वेश्चन है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए तब क्या प्रभाव होगा, तब किस बिंदु पर, यानी अनंत पर विभव शून्य लेना है तो फिर किस प्रकार से, यानी दो आंसर यहाँ पर हमको निकालने होंगे। तो यही पैटर्न है NCERT, यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर ही दो तीन क्वेश्चन हो जाते हैं, तभी क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है और टिपिकल भी हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हुए चलते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको करना क्या है, यानी ये फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाएंगे जिसमें Q1 और Q2 आवेश दिए हुए होंगे। तो ये है Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश, और यहाँ पर हमें एक बिंदु P मान लेंगे जहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, शून्य है। माना बिंदु P पर जो वैद्युत, यानी तीव्रता नहीं वैद्युत विभव है, वो शून्य दिया हुआ है, और वैद्युत विभव शून्य हमको मानना भी है। तो यहाँ से जो Q1 से P तक की दूरी होगी ये हम मान लेंगे R, और Q1 और Q2 तक की दूरी ये होगी D। तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी D-R, यानी P से Q2 तक की दूरी, तो ये हमने ज्ञात कर ली। और यहाँ पर D दी हुई है, यानी दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है D, वो हमको दी हुई है 0.16 मीटर, यानी 16 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसको हम बदलेंगे 0.16 मीटर में। और Q1 Q2 के मान हमको दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे विभव Q1 और Q2 के कारण विभव V = 1/4πε₀Q1R + 1/4πε₀Q2/D-R, क्योंकि Q1 के कारण, तो Q1 से P तक की दूरी लेंगे क्योंकि हमने बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या माना है, शून्य माना है, और इसीलिए यहाँ पर Q1/R लिया गया है। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला यहाँ पर हम लगा रहे हैं, आपको पता ही होगा अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर और Q2 के कारण क्या होगा, तो P से Q2 तक की दूरी है D-R, तो वो हमने यहाँ पर ले ली, और इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, क्योंकि V = 0 दिया हुआ है, V = 0, यानी जो वैद्युत विभव है वो तो शून्य दिया ही हुआ है पहले ही। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर V की जगह हम रख देंगे शून्य, और ये हो जाएगा 1/4πε₀, ये यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और Q1/R + Q2/D-R, या इन्हें हम एक साथ ही लिख देंगे, कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि हम इधर हम शून्य दिया हुआ तो हम इसको पक्षांतर कर लेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमको सावधानी रहेगी अगर हम इसको, यानी कि 1/4πε₀, यानी दोनों के साथ में ही लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो इधर इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो 1/4πε₀ Q1/R - 1/4πε₀ Q2/D-R, ये हमको मिला यहाँ पर। तो इस 1/4πε₀ से ये वाला 1/4πε₀ यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा Q1/R - Q2/D-R यहाँ पर बचेगा। और सभी के मान हमको क्या है, सभी के मान हमको दिए हुए हैं, यानी Q1 का मान हमको क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलाम, और नीचे R = Q2 का मान क्या दिया हुआ है, तो ये −3 × 10⁻⁸ कूलाम, और अपान में 0.16 - R, क्योंकि R ही वो बिंदु है जो हमसे क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था कि किस बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो शून्य होगा, तो R वो बिंदु है, D का मान हमको दिया हुआ, तो हमने मान वहाँ पर रख दिया। अब नीचे यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5
0.16 और यहाँ पर होगा माइनस आर बराबर 3R, और इस 10^-8 से 10^-8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया हमारा। तो यहाँ से हम कर लेंगे 0.8 = 8R, यानी R बराबर 0.1 मीटर, यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा R बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा केवल एक आंसर यहाँ पर आया, यानी पहले क्वेश्चंस का, जहाँ पर हमको किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा ये वाली कंडीशन निकालनी थी। तो R बराबर 10 सेंटीमीटर पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। अब क्या करना है, अब हमको विभव लेना है कहाँ पर, अनंत पर। तो अब हम फिर एक उसी प्रकार से आवेश बनाएंगे, Q1 आवेश और Q2 आवेश, और इस बार P होगा कहाँ पर, अनंत पर, यानी यहाँ पर। तो P बिंदु बाहर दिया हुआ होगा, यानी पूरे सिस्टम से बाहर होगा, Q1 और Q2 से बाहर होगा, अनंत पर होगा। तो इनके बीच की दूरी तो DE होगी, हमको पहले ही दी हुई है, तो उसी क्वेश्चन से लिंक है क्वेश्चन। और यहाँ पर S होगी दूरी कहाँ तक, Q1 से अनंत बिंदु P तक की दूरी, और P पर ही वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनंत पर विभव क्या लेना है, शून्य लेना है, तो अनंत पर स्थित बिंदु P है जिस पर विभव क्या है, शून्य दिया हुआ है। तो इतनी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, S - D, ये हो जाएगी दूरी। और सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही यहाँ भी लगाना है, यानी हम फॉर्मूला लगाए दे रहे हैं, फिर आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला सेम लगेगा, 1/4πε0 Q1 अपान यहाँ पर होगा S, क्योंकि Q1 और P के बीच की दूरी क्या है, S दी हुई है, और प्लस 1/4πε0 Q2 / S - D, ये होगा यहाँ पर। तो V क्या होगा, V तो होगा शून्य, क्योंकि हमको ये जो लेनी है ये तो शून्य ही लेना है, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 / S + 1/4πε0 Q2 / S - D। अब क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से इधर शून्य दिया हुआ, तो इसका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो 1/4πε0 Q1 / S - 1/4πε0 Q2 / S - D, और इस 1/4πε0 से ये 1/4πε0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और Q1 Q2 के मान सेम टू सेम जिस तरह से हमने ऊपर रखे थे यहाँ पर आपको रख देने, और D की जगह D का मान रख देना, यानी कि 0.16, और Q1 Q2 के मान रख देने, तो यहाँ पर हमको S बराबर मान प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर निकाल लेना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जिस प्रकार से हमने जस्ट पहले वाले भी क्वेश्चन में किया, यानी इसी का जो पहला वाला पार्ट था उसमें हमने किया, तो सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पर करना है, और आंसर आपको मैच कर लेना है यहाँ पर कैलकुलेशन करके। कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं है, आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है जैसे अभी हमने किया, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन भी करेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास अपनी तरफ से भी करिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम हॉल में आपको स्वयं ही कैलकुलेशन करना होगा, कोई आपको डायरेक्ट उत्तर वहाँ पर नहीं बताएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं बताया जाएगा, इसलिए आप इतना तो कर ही सकते हैं, तो इतना आप करिएगा। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 μC का आवेश है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, यानी V का मान हमको यहाँ पर निकालना है, और वो V कहाँ, एक खटभुज के केंद्र पर, और प्रत्येक शीर्ष पर 5 μC का आवेश दिया हुआ है, और 10 सेंटीमीटर भुजा का सम खटभुज है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इस प्रकार से एक फिगर हमको बनाना है। तो ये एक खटभुज का हमने निर्माण किया, और क्या करना है, इसकी प्रत्येक भुजा जो दी हुई है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो एक जगह हमने लिख दिया सभी भुजाएं क्या हैं, 10 सेंटीमीटर दी हुई हैं, और सभी शीर्षों पर 5 μC का आवेश भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वितरित कर दिया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है केंद्र ओ पर विभव, यानी ये जो केंद्र ओ दिया हुआ है इस पर हमको विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान हम इसमें किस प्रकार से निकालेंगे, विभव हम तभी निकाल पाएंगे जब बीच की दूरी यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर चाहिए हमको R, लेकिन R तो है ये वाली, तो R हमको लेनी होगी ये वाली, जो ये 10 लिखा हुआ है ये वाली R लेनी होगी। तो ये किस प्रकार से आई है, जबकि हमको दी गई है इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी गई है, लेकिन ये किस प्रकार से आई। तो सम खटभुज में क्या होता है कि जो सभी कोण होते हैं 60 डिग्री
ये कोण होंगे, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग 180 है। तो ये एक त्रिभुज का निर्माण होगा, तो जब सभी कोण बराबर हैं तो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसका मान भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसका मान 10 सेंटीमीटर होगा, यानी हमको आर मिल गई। तो हम फार्मूला लगा देंगे, ओ पर वैद्युत विभव, बिंदु ओ पर वैद्युत विभव, तो क्या होगा, वी बराबर, और V1 मान ले, और हम अगर बिंदु O पर हमको निकालना है कुल विभव, हम अगर एक इस त्रिभुज के लिए यानी इतनी फॉर्मेशन ओ ए बी के लिए अगर हम केवल निकाल लें, तो फिर सेम टू सेम सभी जगह होगी ना, जैसे ये हमने 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमने एक जगह निकाल ली तो सभी जगह सेम ही होगी, तो बाद में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम एक के लिए निकालते हैं यानी V1 के लिए, V1 बराबर 4πε0Q/r। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख देंगे मान, तो 1/4πε0 का मान 9×10⁻⁹, और 5 μC का मतलब 5×10⁻⁶ कूलाम अपान आर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, तो ये दशमलव हटा, ये यहाँ पर 0, तो क्या हो गया 450×10³, ये हमारा आ गया वोल्ट। तो ये आया V1 के लिए, ये आया किसके लिए, V1 के लिए, यानी केवल एक ही भाग का, यानी एक ही भाग का हमको विभव मिला है। लेकिन हमको क्या निकालना है, केंद्र पर प्रत्येक शीर्ष पर स्थित आवेश कण केंद्र O पर विभव, जो कि होगा समान। तो यही यानी कि सेम विभव निकलेगा सभी जगह, यानी हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल जाएगा क्या, फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे V बराबर 6V1, तो 6×450×10³, और ये हो जाएगा वोल्ट। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.7×10⁶ वोल्ट, ये आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, हमको ध्यान रखना है फिगर बनाना है, और केवल एक के लिए, किसी एक पार्ट के लिए हमको मान निकाल लेना है विभव का, और सेम टू सेम होगा उन जो 6 भाग दिए हुए हैं सभी में, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए और बी पर दो आवेश 2 μC और -2 μC रखे हैं। नंबर ए, निकाय के सम विभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। सम विभव पृष्ठ के बारे में हमने पढ़ा है पीछे थ्योरेटिकल पोर्शन में, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव 0 होता है उसे कहते हैं सम विभव पृष्ठ। और बी नंबर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, यानी ई की डायरेक्शन यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 3 का ए नंबर क्वेश्चन है, यानी हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है निकाय के सम विभव पृष्ठ की पहचान। तो सम विभव पृष्ठ कब होगा, जब सभी बिंदुओं पर, प्रत्येक बिंदुओं पर विभव समान होगा, तो हो जाएगा वहाँ पर सम विभव पृष्ठ। और जो विभव है वो हमारा अगर 0 आ जाए विभव का मान, तो भी होगा ये क्या, सम विभव पृष्ठ होगा। तो चलिए, दो हमको यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, दो आवेश हमको दिए हुए हैं, और बीच की दूरी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी 0.06 मीटर। ये बीच की दूरी है, Q1 और Q2 दिए हुए हैं 2 μC -2 μC। तो हम यहाँ पर विभव निकालेंगे, V बराबर 1/4πε0 2×10⁶ 0.03, जो कि R का मान होगा, प्लस -2×10⁻⁶ 0.03। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये आ जाएगा इस जगह, तो ये माइनस माइनस अंदर कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मान आ जाएगा वी बराबर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या है, समान विभव है, और यह निकला है 0, तो इसीलिए यह क्या है, सम विभवी पृष्ठ है, ये एक सम विभव पृष्ठ है। तो इसकी पहचान हो गई, यानी ए नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर, यानी हमको बताना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो हमको पता है, पहले ही हमने पढ़ा है यूनिट 1 में यूनिट 2 में, कि वैद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से यानी पॉजिटिव आवेश से माइनस आवेश की ओर चलता है। वैद्युत क्षेत्र सदैव प्लस से माइनस की ओर चलता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र यानी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कार्य करेगा, और ये क्या होता है, लंबवत होता है किसके, सम विभव पृष्ठ के।
लंबवत होता है संविभव पृष्ठ की। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, यहाँ पर न्यूमेरिकली कुछ करना नहीं था, केवल और केवल हमको बताना संविभव पृष्ठ की पहचान करना था, यानी वी का मान 0 आ गया तो संविभव पृष्ठ हो गया, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी हमको प्राप्त हो गई, प्लस यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू की ओर इसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6×10⁻⁷ कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो तीन कंडीशंस हमको निकालनी है, गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ये बेसिकली क्वेश्चन तो है पिछली यूनिट का, यानी यूनिट 1 का, वहीं पर हमने पढ़ा था गोलीय कोष के बारे में, जो कि गॉस के नियम से रिलेटेड था। तो वहाँ पर हमने तीन कंडीशंस पढ़ी थी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, गोले के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से यानी गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी ई का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इतनी त्रिज्या हमको दी हुई है, या इसको मीटर में लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 0.12 मीटर में इसको हम लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है हमको क्यू, क्यू है यहाँ पर 1.6×10⁻⁷ कूलम, और एक हम गोला यहाँ पर बना लेते हैं, गोलीय कोष बना लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए हमको इसके अंदर, यानी ए नंबर, गोले के भीतर यानी इनसाइड द स्पीयर, यानी गोले के अंदर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले गोले के अंदर, तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि गोले का जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं होता है। हमने आपको पीछे पढ़ाया है, यानी पिछली यूनिट में हमने आपको पढ़ाया है गॉस का नियम, जब पढ़ाया उसके अनुप्रयोग पढ़ाया था, तो वहाँ पर एक गोलीय कोष का जो हमने डेरिवेशन किया था, तो वहाँ पर हमने बताया था कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, 0 होता है, यानी अंदर ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो बी नंबर क्वेश्चंस है, गोले के ठीक बाहर, तो ये गोला है ठीक बाहर का मतलब इस जगह हमको निकालना है, E2 मान लेते हैं कि इस जगह हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ठीक बाहर का मतलब कि पृष्ठ पर ही हम उसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 फार्मूला होता है Q/r2, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो Q का मान हमको पता है, R का मान पता है, तो 9×10⁹ 1.6×10⁻⁷ दिया हुआ है -7 और अपान 0.12 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ऊपर आएगा हमारा 10⁻² अपान 0.0144, ये यहाँ पर आया हमारा। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैसे डायरेक्ट ही कैलकुलेशन दिख रहा है, वहाँ पर कुछ करना नहीं है, 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये आ गया वैद्युत क्षेत्र। ये क्या होगा, गोले के ठीक बाहर या लगभग गोले के पृष्ठ पर ही वो माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम आर लेंगे जो कि 12 सेंटीमीटर। और अब हमको सी नंबर क्वेश्चंस में एक और कंडीशन दी हुई है, यानी जो क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, इसी 4 का सी दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमको एक कंडीशन और दी गई है, गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जो ये दूरी आपको दे दी गई, तो इससे हमको पता लग गया है, क्योंकि हमारी जो त्रिज्या है गोले की वो 12 सेंटीमीटर है और हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र 18 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये जो बिंदु होगा गोले से बाहर ही होगा। ये गोला दिया हुआ है, ये इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर जो कि आर है। अब क्या होगी, यहाँ से 18 सेंटीमीटर दूर या हम इसे E3 मान लेते हैं, यानी यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है और इसके बीच की दूरी क्या दी हुई है 18 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला लगाएंगे E बराबर 1/4πε0Q/R2, इसको हम मान लेते हैं क्या कैपिटल R, और ये दी हुई है स्मॉल R यहाँ पर, तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली ही वहाँ। तो E बराबर 9×10⁻⁹ 1.6×10⁻⁷ / 0.18 का होल स्क्वायर,
यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है ना, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया है। अब क्या करना है, और ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आपको स्वयं करना है जैसे हमने ऊपर किया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम में, यानी ये होगा गोले से 18 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र का मान। तो ये आपको स्वयं ही निकालना है, केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना आप स्वयं करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे देखते हैं इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिको फैराड है। पिको फैराड में दी हुई है धारिता यहाँ पर। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधी कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी सी का मान हमको यहाँ पर निकालना है। संधारित्र से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमने जस्ट पढ़ा है पिछले वाले लेक्चर में ही, यानी समांतर पट्टिका संधारित्र के बारे में। तो वही वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है जब बीच में माध्यम है वायु यानी कि सीनाट 8 पिको फैराड, और एक पिको फैराड में 10^-12 फैराड होते हैं, यानी 8×10^-12 फैराड। और हम मान लें पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए यहाँ पर हमको, और बीच की दूरी है डी। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना पीछे, जो कि होता था के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, लेकिन यहाँ पर के का मान एक है, यानी जो माध्यम है वो वायु दी हुई है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पट्टिकाओं के बीच जब हम परावैद्युत भरेंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी डी डैश हो जाएगी डी बाई टू, और के वहाँ पर हो जाएगा 6। तो हमारा नया फार्मूला क्या होगा, तो हमारा नया फार्मूला बनेगा सी बराबर एप्सिलॉन नॉट, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। के का मान है 6×एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई टू, डी बाई टू। यहाँ पर हम 6 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम के ही लेंगे, क्योंकि हमको जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमको जब फिर बाद में हम के का मान रख सकते हैं, या हम पहले भी रख दें तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब आपस में डिवाइड करेंगे, यानी 2 में 1 का भाग देने पर, तो भाग देने पर फाइनल हमको मिलेगा सी अपान सी नॉट बराबर 2k। और हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है सी का, क्योंकि हमको धारिता चाहिए परावैद्युत रखने के बाद। तो सी बराबर होगा 2k सी नॉट। अब यहाँ पर 2×k का मान 6 है और सी नॉट का मान ऊपर हमने निकाला ही है, यानी हमको दिया हुआ है 8×10^-12 फैराड। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी बराबर 96×10^-12 फैराड, या इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सी बराबर 96 पिको फैराड। तो ये दोनों आंसर यहाँ पर हमारे सही होंगे, हम उसको एक साथ समराइज कर सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो नंबर ए क्या करना है, संयोजन की कुल धारिता निकालनी है, यानी टोटल सी का मान। और बी नंबर क्वेश्चन है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण या जिसे कहते हैं सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, यानी V का मान, ये हमको निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए नंबर, यानी हमको क्या दिया हुआ है, हमको 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र दिए हुए हैं, यानी C1 C2 C3 9 पिको फैराड। तो क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें हमको निकालनी है तुल्य धारिता, वो भी किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/C बराबर क्या होगा, 1/9 + 1/9 + 1/9। तो 1/C बराबर क्या होगा, 3/9 या 1/3। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सी बराबर 3 पिको फैराड। तो तुल्य धारिता क्या आई, तुल्य धारिता आई हमारी 3 पिको फैराड यहाँ पर,
डायरेक्ट केवल फार्मूला लगाना है और भी कुछ हमको यहाँ पर करना नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं इसी के पार्ट बी को, यानी क्वेश्चन नंबर बी को। तो बी नंबर में क्या किया गया, यहाँ पर कुल आवेश, तो क्या होता है श्रेणी क्रम में जो कुल आवेश होता है क्यू का मान वो हमेशा समान रहता है, और जो विभव होता है वो होता है भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग होता है विभव का मान और क्यू का मान हमेशा समान रहता है। तो क्यू बराबर तुल्यधारिता पता है हमको सी वी, तो क्यू का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे, सी का मान ऊपर हमको मिल गया 3 पिकोफेरड इंटू 120 वोल्ट, 3 पिकोफेरड इंटू 120 वोल्ट, ये हमको मान मिल गया क्योंकि 120 वोल्ट की सप्लाई दी गई है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालना है विभवांतर, और तीनों में विभवांतर क्या होगा, तीनों में विभवांतर और धारिता समान है, तीनों में अगर धारिता समान है तो विभवांतर भी समान होगा, और क्यू समान रहता ही है श्रेणी संयोजन में, वो तो पहले से ही क्यू सभी में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और अगर धारिता समान कर दी जाए तो विभवांतर भी समान हो जाए, धारिता अलग कर दी जाए तो विभवांतर भी अलग अलग होगा, यानी वी वन बराबर वी टू बराबर वी थ्री सभी होंगे सेम, और ये होंगे बराबर क्यू अपान सी वन सी टू सी थ्री कुछ भी कर दें क्योंकि सी का मान है यहाँ पर समान है, यहाँ पर सी वन कर सकते हैं, क्यू अपान सी टू भी कर सकते हैं, क्यू अपान सी थ्री भी कर सकते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्यू का मान है 3 पिको फैरड इंटू 120 अपान 9 पिको फैरड, तो यहाँ से हमको फाइनल आंसर मिलेगा, यानी विभवांतर वी वन बराबर वी टू बराबर वी थ्री का मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 40 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है ज़्यादा इसमें, आसान सा कैलकुलेशन है, तो 40 वोल्ट हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 2 पिकोफेरड 3 पिकोफेरड और 4 पिकोफेरड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्वक्रम का मतलब है समांतर क्रम में, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, अगर पार्श्वक्रम आ गए तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पार्श्वक्रम का मतलब समांतर क्रम में, तो 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब क्या करना है, संयोजन की कुल धारिता यानी कुल सी का मान, और फिर यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से, संभरण का मतलब है यहाँ पर सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संधारित्र पर क्यू का मान क्या होगा। तो जैसे हमने पीछे सवाल किया जिस पर हमको विभवांतर निकालना था, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, और आवेश क्या होता है, अलग अलग होता है और विभव समान होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है जिसमें हमको क्या दी हुई है, सी वन बराबर 2 पिकोफेरड, सी टू बराबर 3 पिकोफेरड और सी थ्री बराबर 4 पिकोफेरड, ये हमको दी हुई है, और फिर सप्लाई है। सबसे पहले हम इसका ए नंबर देखेंगे, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो फार्मूला होता है सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, तो सी बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, सी बराबर 9 पिकोफेरड, 9 पिकोफेरड, ये आ गया आंसर, यानी कि यही होगी तुल्यधारिता का मान आ गया सी बराबर 9 पिकोफेरड। अब इसी का बी नंबर क्वेश्चन है, यानी हम अगर 100 वोल्ट की क्या दे दें, सप्लाई दे दें, तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा, तो समांतर क्रम में हमको हमेशा याद रखना है कि जो विभव का मान होता है वो होता है समान, और जो आवेश होता है आवेश क्यू वो होता है भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, तो विभव सभी जगह क्या होगा, विभव सभी जगह होगा समान, और विभव दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा, और सी वन हमको यहाँ पर हमको अलग अलग आवेश प्राप्त होगा, क्यों अलग अलग प्राप्त होगा, क्योंकि हमारी जो धारिताएँ हैं वो अलग अलग हैं, जबकि हमने इसको जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पर हम जो धारिता थी वो सभी के लिए एक समान थी, तभी वहाँ पर विभव हमको क्या मिला था, एक समान ही मिला था। तो यहाँ पर हम Q1 निकालेंगे, विभव तो समान रहेगा ना, तो Q1 बराबर C1 इंटू V, तो ये होगा 2 × 10⁻¹² फैरड इंटू 100 वोल्ट। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमको दिया हुआ था 2 फिको फैरड, इसको हम फैरड में बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ, तो हमको एक ही इकाई में रखना, एक ही यूनिट में रखना है, ये आपको विशेष याद रखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन वहाँ पर गलत कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, Q1 आ गया 2 × 10⁻¹⁰ कूलाम, ये आ गया Q1 का मान। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे Q2, तो Q2 बराबर क्या होगा, ये होगा C2V, यानी
ये क्या जो हमारी सी टू दी हुई है वो दी हुई 3 pF, 3 × 12 F इंटू 100, तो जो हमारी क्या हो जाएगी क्यू टू, क्यू टू हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 × 10⁻¹⁰ कूलाम। और इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है क्या क्यू थ्री, क्यू थ्री आप स्वयं निकाल लेंगे, यानी क्यू थ्री बराबर क्या होगा, ये होगा सी थ्री वी। और इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहाँ पर हमारा जो सी थ्री का मान है वो है 4, तो ये हो जाएगी 4 × 10⁻¹⁰ कूलाम। तो इस प्रकार से तीनों आवेश अलग अलग आ गए और तुल्यधारिता आ गई हमारी ऊपर, तुल्यधारिता का मान 9 pF। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8, और इसके साथ ही हमारा ये जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो 36 कुल क्वेश्चन हमारी इस यूनिट में दिए हुए हैं, तो इससे हम जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ए का मान, उनके बीच की दूरी 3 mm है, डी का मान, और संधारित्र की धारिता निकालिए, सी का मान निकालना है। और यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभारण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, क्यू का मान निकालना है अलग अलग पट्टिका पर। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है ए बराबर 6 × 10⁻³ मीटर, और हमको वी का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, और डी का मान 3 mm, और mm होती 3 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर हमको सी का मान निकालना है और प्रत्येक पट्टी पर आवेश भी निकालना है, क्यू का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले लगाते हैं सी बराबर εo(a/d), तो यहाँ पर होगा 8.85 × 10⁻¹² इंटू ए का मान 6 × 10⁻³ अपान डी यानी 3 × 10⁻³। तो यहाँ पर सी बराबर आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कोई भी कठिन कैलकुलेशन है ही नहीं, ये 3 × 2 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, चलो करे दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 17.7 × 10⁻¹². तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर हम, और इसको हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, यानी हम इतना आंसर भी अगर निकाल देते हैं तो ये हमारा सही माना जाएगा। और या तो हम ये जो 10⁻¹² लिखा है तो हम इसे 17.7 × 10⁻, यानी डायरेक्ट पिको फैरड में भी लिख सकते हैं 17.7 pF। और आपकी बुक में ये भी दिया गया होता, क्योंकि 17.5 से जो ऊपर का मान होगा तो उसे हम लगभग क्या मान लेंगे, लगभग उसे हम 18 के लगभग मान लेंगे। तो अगर आपकी बुक में ये आंसर दिया हुआ है 18 pF, तो ये भी आंसर करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान क्या है 17.5 से एबव दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम 18 के लगभग मान सकते हैं। तो अगर आपकी बुक में आंसर ये दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो कि यहाँ पर तो ये आंसर दिया है और आपने तो ये बताया, तो इसलिए तो ये मान आ गया सी का। अब हमको निकालना है इसी का बी नंबर, यानी संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो क्यू बराबर सी वी। तो सी का मान हमको दिया हुआ है, हम इसी को लेते हैं, यानी 17.7 × 10⁻¹² और इंटू वोल्ट, 100 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, तो ये आ जाएगा क्यू का मान 17.7 × 10⁻¹⁰ कूलाम। ये आ गया संधारित्र पर कुल आवेश, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको निकालना है अलग अलग पट्टिका पर आवेश। तो संधारित्र इस प्रकार से, कोई संधारित्र होता है तो उसमें क्या होता है, एक में होता है धन आवेश और एक पट्टिका में होता है माइनस आवेश। तो अलग अलग दोनों के लिए क्या होगा, तो एक पट्टी के लिए आवेश और दूसरे के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग होगा। तो एक के लिए होगा 17.7 × 10⁻¹⁰ कूलाम और दूसरी पट्टिका के लिए −7.7 × 10⁻¹⁰ कूलाम। तो ये हमारे आंसर निकलेंगे, दो अलग अलग आंसर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, यानी 8 क्वेश्चंस, 8 न्यूमेरिकल हम लोगों ने आज सॉल्व किए, 8 न्यूमेरिकल्स हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो इनमें ये ज़्यादा टिपिकल भी नहीं थे, आगे जब हमारे कुछ टफ क्वेश्चंस आएंगे, यानी अतिरिक्त क्वेश्चंस की जो अभ्यास आएगी वहाँ पर, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कम कर लेंगे, क्योंकि टिपिकल सवाल होंगे तो आपको समझने में थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर हम कुछ जो
नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो हम वहाँ पर कम कर लेंगे और अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। आज के क्वेश्चन आसान थे, केवल और केवल फार्मूला रखना है और उसमें उसका मान रखना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।